ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मैं सौरभ हूं, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। लॉकडाउन के बीच भारत सरकार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस ला रही है। 7 मई से इसको लेकर अभियान शुरू किया गया कई देशों में। इसी तरह उज्बेकिस्तान से भी लोग वापस लौटे हैं। नई दिल्ली के डीएम के ट्विटर पेज से इसको लेकर एक ट्वीट किया गया, कहा, वंदे भारत मिशन के तहत उज्बेकिस्तान से सबसे युवा पैसेंजर का स्वागत किया गया। 1 साल का यॉर्कशायर टेरियर प्रजाति का पपी ओरियो का स्वागत नई दिल्ली जिला प्रशासन की ओर से पीयूष रोहनकर ने किया। ट्वीट में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय आदि को टैग किया गया। ट्वीट में देख सकते हैं कि पपी का स्वागत बिस्कुट और चिप्स आदि के साथ किया गया। ये पेज वेरीफाइड नहीं है, लेकिन पेज से किए गए पोस्ट को देखकर लगता है कि आधिकारिक पेज है। पेज पर भी कहा गया है कि ये नई दिल्ली जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी का आधिकारिक अकाउंट है। इसे पोस्ट किए जाने के बाद ट्विटर पर लोगों ने नई दिल्ली प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई। लोगों का कहना था कि सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही है। मजदूरों को पैदल सैकड़ों किलोमीटर चलकर घर जाना पड़ रहा है। ट्रैक पर लोगों की मौत हो रही है। मजदूर बेरोजगार हैं, फिर भी उन्हें घर पहुंचाने के लिए सरकार पैसे ले रही है। और दूसरी ओर विदेश से भारत लाए पपी का फोटोशूट चल रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि ये ट्वीट सरकार की प्राथमिकताओं को दिखाता है। यकीन नहीं होता कि प्रवासी मजदूरों का ध्यान नहीं रख पा रही है सरकार और इधर फोटो सेशन चल रहा है। लोगों के इधर तीखे कमेंट आए तो ट्वीट वायरल होने लगा। बाद में ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया। ट्वीट डिलीट होने के बाद आने वाले जो और पोस्ट थे उनमें भी लोगों ने कमेंट करके रिप्लाई करके पूछा कि पोस्ट डिलीट क्यों की गई। मामले में आगे कुछ अपडेट आता है तो वो भी हम आपको बताएंगे। आपका इस मामले पर, इस पोस्ट पर, इस ट्वीट पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।